अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार मिलेट रिजर्वेशन प्रोजेक्ट गया चुली के भाड़ में। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यह कार्यालय कलेक्टर परिसर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में आता है। और मैं आपको बता दूं कि नरवा घुरवा और बाड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जो आदिवासियों के विकास के लिए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय है छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ के मुखिया के द्वारा। और उसी योजना के तहत में जो है अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए मिलेट रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत कुछ पैसे आवंटित किए थे। अब वो पैसे को कैसे मिली भगत करके अधिकारियों के साथ और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किस तरह से बंदर बांट किया, कि उसकी जानकारी यदि एक समाज सेवक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा यदि मांगी जाती है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। और गोलमोल जवाब से असंतुष्ट सामाजिक कार्यकर्ता फिर मीडिया का सहारा लेते हैं। इसी तरह के लाइव वीडियो हम हमेशा से दिखाते रहते हैं और दिखाएंगे। कुछ वर्गों को इससे खासी तकलीफ होती है, होने देते हैं, क्योंकि सिर्फ हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं और ये जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, दबा के शेयर करते हैं, उसी से हमें हिम्मत मिलती है और हमारे पाठक, हमारे प्रशंसक या हमारे आलोचक इसी प्रकार से हमें बताते हैं कि आगे करना क्या है। दरअसल इस मामले पर हम रुख लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताएंगे। एन पांडे। ये सारी घटनाक्रम को जो आप बिंदुवार बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये दरअसल ये योजना काहे के लिए शुरुआत की गई थी और इस योजना में कितने रुपए विकास खंडवार से आवंटित किए गए थे और कितने को गबन करके आज तक धकार नहीं ले रहा है यह कार्यालय। जी, अब मैं अधिकारी जी, अभी जहां हम खड़ा हैं परियोजना प्रशासक जी, अब इसको एक बार समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लूट 1,26,00,000 की लूट हुई है, ये डकैती ही मान लीजिए। गरीबों की योजना जो गरीब को मिलना था वो उन्हें नहीं मिली। मतलब यह बोला जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी, मतलब वहां से जो योजना निकल के आई और धरातल तक आते आते दम तोड़ दी, ये बोला जाना उचित होगा। अब सुनिए, इसका कम से कम एक बार समझ ले जो भी है, क्योंकि भारत सम्मान में जो आता है तो वो सब कुछ बताता है कि आपका हक अधिकार, आपका योजना क्या था। हम और इस आपका चैनल का माध्यम सिर्फ न्यूज या घटना दिखाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को जागरूक करना होता है जी। तो इसको समझना पहले जरूरी है, पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किसानों के लिए नरवा गरुआ घुरुआ बारी अवधारणा बनाया गया, इसका हर क्षेत्र में विकास किया गया। इसी के तहत एक योजना बनाए नरवा गरुआ घुरुआ बारी अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र आदिवासी किसानों को जनजाति कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार हेतु किसानों को 16,500 रुपये का प्रति किसान देने का इन्होंने एक योजना तैयार किया जी। और ये राशि आया विशेष केंद्रीय सहायता पूंजीगत मद की राशि है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया कि जितने विकास खंड हैं, हर विकास खंड में विकास खंडवार कितने किसानों को देना था, हर विकास खंड के 109 हितग्राहियों का चयन करना था। हितग्राहियों का चयन के लिए उस किट में क्या क्या देना उनको अनिवार्य, वो तो बता रहा हूँ। इसको समझिए कि हितग्राही का चयन कैसे करना था जी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात आ जाएगी। शुरुआत से आप बताइए जी। तो हितग्राहियों का चयन के लिए ग्राम पंचायतों के संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी, जब ये कार्य स्वीकृत हुआ तो उसमें 17 बिंदु में बनाया गया
आपका नियम और शर्त इसलिए निर्धारित किया गया में बताइएगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का भ्रष्टाचार न हो सके और वास्तव में गरीबों को लाभ मिल सके उनके आदिवासियों को, इसलिए बनाया गया था नियम कानून। लेकिन सारे नियम कानून को दरकिनार कर ये भ्रष्ट लोगों ने और पूरी योजना की राशि बिना काम किए, सोचिए 1,26,00,000 सातों विकास खंडों में आया था उसमें डकार गए, जिसमें अंबिकापुर विकास खंड में पूरी की पूरी राशि डकार लिया। अब सिलसिलेवार में सातों का पहले बता दूं, यहाँ जब मुझे पता लगा मैं जानकारी मांगा, जानकारी ही नहीं दिए, जानकारी तो तब दें जब इनके पास कोई जानकारी हो। वास्तविकता यह था कि जो निर्माण एजेंसी या कार्य एजेंसी बनाए गए हैं उन्हीं को इस योजना की जानकारी नहीं मालूम है। अच्छा, मतलब है क्या चीज़? मतलब हमको कार्य मिल गया सिर्फ कागजों में, हाँ, और हम कभी खुल के देखे ही नहीं, देखे तो ही नहीं। जानकारी कहाँ से रहेगा? हाँ, आगे बताएं। तो जब मैं जानकारी नहीं दिए, अपील किया, तीन तीन बार जिला पंचायत के सीओ महोदय ने उन्हें फटकार लगाई, लिखित आदेश दिया, तब उन्होंने कूट रचित दस्तावेज किया तैयार। अच्छा अच्छा अच्छा, कूट रचित दस्तावेज तैयार किया। मैं जैसे इन पर आरोप नहीं, इनके दस्तावेज बता रहे हैं कि बिल्कुल ये नादान है, इनको कुछ मालूम ही नहीं था। मतलब नाबालिग थानेदार से अब नाबालिग अधिकारी भी बोला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नाबालिग नहीं, अब तो इनकी अगर उपमा दीजिएगा अभी मैं आगे बता दूंगा। हाँ। ये वास्तव में डकैत है। अच्छा, पहले के जो डकैत थे, पहले के डकैत हथियार के दम पर बड़े पूंजीपतियों को लूटते जरूर थे, सिर्फ पूंजीपतियों को लूटते थे, लेकिन उनके मन के अंदर अभी के जो डकैत है, एक मिनट, अभी के डकैत है ये बोला जा सकता है कि कागज के दम पे अब गरीब आदिवासियों को लूट रहे हैं? लूट रहे हैं। अच्छा, तो वो हथियार के दम पर लूटते थे और शासन प्रशासन पब्लिक से बच करके लूटते थे, सभी लोग जान न जा छुप के डकैती करते थे। अभी वाले जो डकैत हैं शासन प्रशासन की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार के दम पर पूरा का पूरा योजना ही डकार जा रहा है, वो भी गरीबों का, पूंजीपतियों को नहीं लूट रहे हैं, गरीबों का पूरा योजना डकार ले रहा है। अब जब मैं मांगा जानकारी तो बताइए, सातों विकास खंड में पहले बता दिया 109 हितग्राही एक विकास खंड में थे, फर्जी दस्तावेज जब तैयार किया है तो इसने दे दिया 273 हितग्राही। अरे वाह, क्या लिखित है इसकी? मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वर्तमान स्थिति में जानना पड़ेगा भाई। वाह, आपके अधिकारी बड़े ही कामगार साबित हुए। मतलब 109 हितग्राहियों को विकास खंड वार आपको देना था। यहाँ ये तो किसी को दिया नहीं, लेकिन 273 लोगों को दे दिए, मतलब अपने जेब से, मतलब अपने कुल वेतन का भी मतलब ऊपरी खर्चा जो होता है वो आपने दे दिया। वाह, क्या बात है। अच्छा, अब इसका, हाँ, अब इसको देखिए, ये लोग दे रहे हैं कि दो सातवां महीना में 2020 जुलाई में सामान खरीद लिए, कोटेशन नियम था, शासन का जो नियम होता है कोटेशन का इश्तिहार होगा, सभी लोग देंगे जिनका रहेगा, बताइए एक नियम होता है ना, उसके तहत खरीद किया जाएगा। जब मांगा तो फर्जी दस्तावेज बनाया, उसमें तीन लोगों का नाम लिखा है और वो निमंत्रण घुमाते हैं, उस टाइप का तीनों का हस्ताक्षर भी कराया है। अच्छा। मानसून एग्रो एजेंसी, महामाया एजेंसी, एक ठो कोई ऋषि इंटरप्राइजेस, और कोई कोटेशन नहीं मिला, मानसून को दे देता है, विक्रय उसका सामानों का सत्यापन भी करा देता है, मानसून एग्रो के 18,00,000 भुगतान भी कर देता है, भुगतान बता रहा है 31 अगस्त को, बिल है 31 अगस्त का, लेकिन बंटवारा पहले हो गया। और तो और मानसून एग्रो एजेंसी जनपद का कोई कर्मचारी नहीं है ना, इस कार्यालय का है, उसी को आदेश लिखित दिया है कि सबको बांट के उसका फोटो कापी फोटो सहित हमको दे दो, किसको किसको बांटे। अरे वाह, क्या बात। सोचिए अब तो ये इन बातों को सबका मैं दिया हूँ हर जगह शिकायत, तब तो आज थक के हम यहाँ आए हैं। इसके बाद अब इनकी कहानी आगे बढ़ जाइए, मेन पार्ट सीतापुर और बतौली, ये तीनों जगह में ये अपने से भी ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस वाले भ्रष्टाचारी को खोज लिए, एनजीओ। अच्छा, एनजीओ को दे दिए? एनजीओ को। अब सोचिए जो खुद से जो कार्य एजेंसी बना है, उस कार्य एजेंसी को बनाया कौन? ये कार्यालय, परियोजना प्रशासक जी, बिना इसके अनुमति को दूसरे को कैसे दे दिया एनजीओ को? वो एनजीओ के दे सबसे पहले तो यही गलत है। और उसने क्या किया, किसी को 2 किलो 1 किलो बाजरा दे दिया, किसी को हमारे साथ वहाँ के किसान भी आए हुए हैं, अभी हम भी कंटिन्यू करेंगे, बस किसानों से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है? संजय राठिया। संजय राठिया जी, संजय मैन पार्ट से हैं। तो आपको दरअसल ये जो योजना के तहत में जो दी गई थी, ये जो भी पोटली
जिसको बोला जाए, मतलब वो बिना मीठा वाला लड्डू का पोटली, हाँ, तो उसमें क्या क्या था? और उसमें थोड़ा सा 2 किलो का वो था, खाद था, हाँ हाँ, और एक तो सीसी में दावा था, हाँ हाँ, बाकी सभी का मैं वैसे ही था। अच्छा, सभी का मैं वैसे ही। बाजरा था 1 किलो का। अच्छा, 1 किलो बाजरा। नियम में कितना किलो बाजरा लिखा हुआ था? आपको जब आकलन किए होंगे कि ये कितने का सामान होगा तो कितने का लगा होगा? नहीं, उन लोग नहीं बताए, निशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क मिल रहा है, ऐसा कह दिए, फिर हम ले लाए, मतलब पंचायत में हम लोग का गाँव में। तो पूछे नहीं कि अपने घर से निःशुल्क देने के लिए आए हो कि शासन के द्वारा मिला है? उसको नहीं पूछे। ये गरीब किसान, आदिवासी किसान है, अशिक्षा के कारण सिर्फ इनका दोहन किया जा रहा है, यह साबित हो चुका है मूल दस्तावेज। अपना नाम बताएंगे? कहाँ से है? मैनपाट से है। ये बताइए कि वो जो आपको मिला था जो भी कीट, उसमें क्या क्या था? 1 किलो का बाजरा था, मैंने उड़द जैसा खाद था, हाँ। जो बाकी और खाद था, 100 सीसी था। वो कहीं जहर तो नहीं था? पता नहीं उसको, तो पता किया कि नहीं, नहीं। अरे यहाँ पे हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, और यहाँ जो सीसी दिया जा रहा है उसमें क्या है वो तो यही बता पाएंगे। तो ये जो मानक मात्रा जो बताया जा रहा है किसानों को, जी, और जी, जो सीसी की बात कर रहे हैं, कहीं वो जहर तो नहीं था? मैं पूछा इनसे, तो बड़े हास्यप्रद की बात है। अब वही बता रहा हूँ मैं। अब सोचिए, मैं तीनों मेन पार्ट के हैं, मेन पार्ट सीतापुर बतौली, ये तीनों का जो कार्य एजेंसी था जनपद पंचायत सीओ, इसने एक ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान एनजीओ है उसको दे दिया। नहीं, कुल बांटना कितना था, मतलब उसका मेरे को बताइएगा थोड़ा दीजिए। जी, उसका तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको निपटाते तले एक लाइन। अच्छा, से ना, चलिए ठीक। अब इनको जो दिए, मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखा दूँ, समझ जाएंगे किस तरह से। कैमरा मैन दिखाएंगे दस्तावेज, एग्जांपल दे रहा हूँ, दिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा जी। ये बतौली का जैसे था निर्माण एजेंसी बतौली जी, बतौली वाला दे दिया किसको? एक ये देखिए, नहीं, ये विज्ञप्ति निकालता है, विज्ञप्ति सूचना पत्र, इसको समझ लीजिए। विज्ञप्ति मतलब क्या होता है? प्रेस में आएगा जी। इसमें उपरोक्त कार्य को करने के इच्छुक सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन संपूर्ण दस्तावेज के साथ 3 दिवस के भीतर जमा करें, 23/11/2020। आप ध्यान दीजिएगा जी जी, 23/11 को विज्ञप्ति निकालता है, और 23/11 को ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान पहुंच जाता है, जमा कर देता है। अच्छा, अब सुनिए दूसरा चीज, 23/11 3 दिन का दिया है समय में, विज्ञप्ति कहीं छपता है नहीं, के कुछ नहीं, मतलब कैसे इनकी दस्तावेज बता रही है कि कैसे आपराधिक षड्यंत्र रख इन लोगों ने लूटा है। दिखाएंगे अब, फिर देखिए उसी दिनांक को, उसी दिनांक 23/11 को इसको आदेश मिल गया, बन गया ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान को बना दिया कार्य एजेंसी। अरे वाह, क्या बात है। अब जो आप बोल रहे थे वहाँ आ जाइए, ये एक पन्ना में 18 लाख रुपया जो इन पूछ रहे हैं, बांटने का क्या लिखा, सर्वरी एंड कैंडिडेट सिलेक्शन, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हितग्राहियों का चयन किसानों का किसने किया? तो कृषि विस्तार अधिकारी ने किया। जब 109 हितग्राही सिलेक्शन हुआ था, तो तुम ये 5,000 कहाँ से ले लाए तो बताओ? तेल मालिश कर रहे थे, अमेरिका से मंगाए थे, जापान से मंगाए थे, कौन सा मालिश कर रहे थे इनका? जापान की बात मत कीजिए, जापानी तेल बहुत मशहूर है। अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद क्या हुआ? अब उसके आगे ये 16,000 एक किसान को देना था, 5,000 का ये हो गया, 3,000 का मान जी। वही 1 किलो जो बाजरा बता रहा है वो 3,000 का है। कौन से दुकान से, मतलब विदेश से था? वही तो, वो क्या सोना वाला बाजरा था, 3,000 का दवा जी। वो तो वही जो सीसी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो क्या दवा था वो वही लोग समझेंगे। फिर 5,000 कम्पोस्ट जो 1 किलो बता रहे हैं कि पैकेट में मिला था, वो 5,000 का था। अच्छा, खाद, अच्छा, खाद 5,000 रुपए किलो भी आता है क्या? अब इसके बाद प्रति लोगों को पहुंचाने का व्यय 500 रुपया। अच्छा, टोटल 16,500
रुपया होता है, 109 लोग 18 लाख पेमेंट हो गया। अब ये कहानी तीनों अभी दर्द यही कहानी तीनों ग्राम पंचायतों में विकास खंडों में हुआ जो 18-34 लाख रुपए सरता सेवा संस्था ने डकार लिया। ये 109 हितग्राहियों को देने की बात कर रही थी और दोस्तों कुछ इतना ये कौन ये तो अभी कर अच्छा इनका फर्जी वाला तो अलग बता दिया जी। 23 तारीख दीपक भाई आपका इंडिविजुअल फ्रॉड है और उसने तीन उस दिन केस किया एक ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान का उसी दिन पर विज्ञप्ति सब चुका है एक ग्रीन साक्षरता सेवा संस्थान और एक ज्ञान सागर सेवा संस्थान तीनों उसी का है। अच्छा उसी का ठेका नहीं करते हैं ठेकेदार लोग अपने दो ठोको और भरवा देते हैं फिर अपना हो जाता है फिर इनका हो गया पूरी 5-10% अधिकतम खर्च किया होगा पूरा पैसा लिए बारीक बंधु एंड कंपनी और बाकी एक इस टाइप के डकैत है इन इन जैसे डकैतों का भी तो इसमें हस्तक्षेप होगा क्यों नहीं। अब आप बताइए 17-17 बिंदुओं में दिया गया है नियम कि इसका दुरुपयोग ना हो क्या इस अधिकारी को नहीं मालूम कि जब उसका सिलेक्शन पहले तो हम इस अधिकारी से बात करें कि भाई जिम्मेदार अधिकारी यदि कोई है इस खाली है और दूसरे अधिकारी और अपन रुक नहीं है जे आर नागवंशी ये 7-9-2020 की इनकी पदस्थापना दिख रही है यहाँ पे और मेरे ख्याल से पहले से है और ये अभी मौजूद नहीं है अपने कार्यालय में और उसके बाद में इन इनका जो पद था वो बता देंगे। इस समस्त योजनाओं के अधिकारी हैं हमारे अपना नाम बता देंगे सर मैं एस के कंवर। तो कंवर जी आप ये बताइए मेरे को कि ये जो जानकारी मांगी गई थी अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार मिले रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको मालूम है? नहीं मालूम तो मेरे ज्यादा नहीं है लेकिन मतलब इसकी जांच शायद चल रही है। नहीं अच्छा नहीं प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या था और किसको कितना देना था हितग्राहियों इसके बारे में आप बताइए। मेरे को ये है कि मतलब कि उसमें शायद 17,000 या 23,000 के आसपास प्रति हितग्राही ऐसा कुछ देना था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था बिजली गुल हो गई थी यहाँ बिजली चल रही है लेकिन यहाँ के अधिकारियों का ट्रांसफार्मर गोल हो गया है। इस पूरे दस्तावेज में कुछ और नजर आ रहे हैं और ये 17 और 23 के आंकड़े को बता रहे हैं। अभी मत मांगिए हमसे हमने आपसे पूछा कि इस योजना के बारे में आपको जानकारी है विकास खंडवार कितने हितग्राहियों को देना था ये मालूम है? नहीं है ये नहीं है वो बाबू बता पाएंगे उसको कितना देना था। तो फिर आप इस कार्यालय में काहे के लिए बैठे हुए हैं? मैं तो सांख्यिकी डाटा से लेकर सभी का जो साहब जो सौंपते हैं वो काम करता हूँ मैं तो साहब इस दस्तावेज रूपी का जो योजना है इसको भी तो सौंपे होंगे। आप ज्यादा मतलब डिटेल या कुछ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो साहब से ले लीजिए मेरे पास तो जानकारी है नहीं है आप मेरे पास कर रहे हैं तो मैं क्या बता पाऊंगा। मैं सिर्फ श्रीमान आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस योजना के बारे में बता दीजिए कि क्या जानकारी है आपको। फाइल देखते ही बता पाऊंगा बाबू रहे तो इससे पहले भी तो मैं आपसे पूछा था आते के साथ तो आप बोले थे कि मैं बताऊंगा करके मैं बताऊंगा कहाँ पूछा हूँ बताऊंगा कहा कि मैं नहीं बोला हूँ मैं ये बोला ये हूं। ऐसे अधिकारियों के दम पे किसी कार्यालय को सौंप दिया जाता है और जो है शासकीय सेवक होने के नाते इनका उत्तरदायित्व बनना चाहिए। सुनो तो फाइल को मैं देख के मतलब सुनने और समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है पूरी जनता देख रही है
आप जो है इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है आपको, आप बात करते हैं मेरे से, पहले इस योजना के बारे में जानकारी लीजिए उसके बाद बात कीजिए। हमारे साथ अभी मौजूद है यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग, अधिकारी यदि कुछ ना बोले, अधिकारी इस योजना को ना जाने, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी हम संबंधित अधिकारी से जब जानने की कोशिश किए कि दरअसल आपको इस योजना के बारे में जानकारी है या नहीं, तो उनकी पिछले अधिकारियों की तो बत्ती गुल हुई थी, लगता है यहाँ का ट्रांसफार्मर गोल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है। और अभी जो मैं आपको बताया था जी, ये सिर्फ सामान खरीद के किसानों को बांटना था, मैं तो चला गया आपका बतौली और सीतापुर, ये सब बता दिया। सीतापुर की कहानी ये थी, जैसे कोई भी योजना होती है वहाँ एक समिति होती है, ब्लॉक का गठन होता है, वहाँ की जनपद अध्यक्ष हैं शांति देवी जी, सोचिए जनपद अध्यक्ष, उनका आरोप है, मैं लेटर दिखाऊंगा, वहाँ का जब 18 लाख रुपया वहाँ का भ्रष्ट सीईओ इसी एनजीओ दीपक बारी एंड कंपनी से पैसा को लूटा या डकैती किया, उसका जनपद अध्यक्ष का फर्जी लेटर पैड, फर्जी सील मुहर मार करके और पैसा निकाल लिया, पूरा हरण कर लिया, कि मतलब ये लोग पास किए हैं सर्वसम्मति से। वो लिखित शिकायत दी थाने में, थाने में नहीं हुआ, एसपी को दिया, पता नहीं अब कहाँ कहाँ बेचारी वो भी दौड़ रही हैं। सोचिए एक जनप्रतिनिधि आदिवासी वो भी, और वहाँ की अभी हमारे साथ मौजूद हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता जिस मामले को लेकर, थोड़ा सा और थोड़ा समझ लीजिए इसको जी, जी। अब जैसे अंबिकापुर वाला आपको मैं बताया था, लास्ट कर रहा हूँ, कार्य स्वीकृति इनकी देखिए 4/7/2020 को है जी जी। अब फर्जी वाला कैसे होता है, 4/6/2020 को कार्य प्रारंभ करने का दिनांक, ये आप देख लीजिए, आर्मुना दिखाएंगे ये दस्तावेज को, जहां जब 4/7/2020 को प्रशासकीय स्वीकृति है जी, तो फिर 4/6 को निर्माण मतलब शुरू कैसे हुआ, कार्य प्रारंभ करने का दिनांक 4/6, एक महीना पहले से शुरू हो गया। अब ये बताइए क्या न्यू खोद रहे थे, क्या स्टाफ डैम बन रहा था या भवन बन रहा था जी जी, सामान बांटना था, और सामान बांटने में जो ये लोग नौटंकी किए हैं वो तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, एक एक जगह नहीं देखिए इनका दो दो जगह, फिर यहाँ 4/6 को कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। अच्छा, ये 4/6/2020 हाँ, ये कार्य प्रारंभ, प्रारंभ कौन सा काम, जब तुमको प्रशासकीय स्वीकृति ही नहीं मिला तो भैया कार्य कैसे शुरू कर दिए, और कार्य तो स्वीकृति कर दिए। अब ये देखिए ये जो दिए थे अपना जिला पंचायत बाकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, हमारे साथ अभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस मामले को लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इनका हाल कि दरअसल इस मामले में क्या कहना है इनका, अपना नाम बताएंगे। सुरेश राम बुनकर, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी। ये बताइए आप मेरे को कि ये जो गरीब आदिवासी यहाँ पे किसान है उस बारे में आप जानकारी देंगे कि क्या कहना है आपका। ये गरीब आदिवासी किसानों के नाम से जो योजनाएं केंद्र सरकार से चल के राज्य स्तर पर आती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिल पाता है, इसका जो है कागजी कार्रवाई में ऊपरी ऊपर करके पूरे पैसे को डकार लिया जाता है। हाँ। तो मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जो है ये दीमक की तरह जो है हमारे समाज को खोखला कर रही है और छत्तीसगढ़ को चाट जा रही है। हमारे साथ और भी समाज सेवक हैं जो है उनसे हम जानेंगे कि दरअसल में यह मामले में इन्होंने क्या तैयारी की है, क्यों इनके गरीब किसान हैं जो उनके साथ में क्या। तो कार्यालय परियोजना अधिकारी पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण अंबिकापुर के सामने हम लोग अपना नाम बता देंगे, आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी। मैं राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ। तो इस कार्यालय के सामने हम लोग खड़े हुए हैं और माननीय पांडे जी ने पूरा विस्तृत रूप से बता दिया है, टोटल सरकारी पैसे का डकैती है, इनके विरुद्ध में FIR संबंधित अधिकारी को करना चाहिए, और इसमें जितने लोग हैं दस्तावेजी प्रमाण पत्र हमारे प्रमाण है हमारे पास, सारे लोगों को जेल जाना चाहिए। ये जनजातीय लोगों के नाम पे सरकार चल रही है और भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री वो हृदय से चाहते हैं कि इनका कल्याण हो, लेकिन संबंधित अधिकारी जो हैं जनप्रतिनिधियों से मिलके जो है पूरे बजट का सफाया
किया जा रहा है और औपचारिक रूप से 10-5 लोगों को जो है खाना पूर्ति करके सरपंचों से पूरा सील लगवा कर और सहमति ले ली जा रही है। पूरे रिकॉर्ड जो है फर्जी बनाए जा रहे हैं। मैं जनजातियों से जुड़ा हुआ हूं, कोरवा और पंडो जनजाति के साथ मैं काम कर रहा हूं। उन बेचारों की स्थिति इतनी दयनीय है। अभी कुपोषण का शिकार, देखिए मैं उसी कोरवा पंडो और आदिवासी जनजाति लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कुपोषण का शिकार होकर कुछ लोग जी बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर थाना के अंतर्गत एक ही परिवार के 3 लोग जो है जैसे शासकीय प्रमाण कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि कुपोषण और खून की कमी के कारण हुआ है, जबकि राज्य शासन का एक एक व्यक्ति एक एक अधिकारी एक एक कर्मचारी जो है ना गांव पे एक एक व्यक्ति के लिए निर्धारित है। अभी मैं लीक से हट करके क्यों बात करना चाहा, अगर पुनरुद्धार के लिए जब बात आती है तो यहाँ पर जो गरीब किसान होते हैं, गरीब हमारे पहाड़ी कुरवा होते हैं, आदिवासी होते हैं, तो मैं लीक से हट करके बात या इस मुद्दे से हट करके बात इसलिए जाना चाहा कि जब इनके उद्धार की बात आती है तो सिर्फ कागजों में ही सिमट के क्यों रह जाता है, जमीनी स्तर तक धरातल तक क्यों नहीं पहुंच पाता उसके बारे में। मेरे पास बिल्कुल कुरवा पंडो जो है बेचारे गांव में वो मेरे पास हमेशा फोन करते रहते हैं, भैया कि हम लोग जो है 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोगों का हम जो है घेरावा आके और जिला प्रशासन का घेरावा करेंगे। कारण है वो पीड़ित है, जब यहाँ पे उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास ज्ञापन देने जाते हैं। निश्चित रूप से उनकी उनको ना नौकरी मिल रही है, ना उनको दवा दारू मिल रहा है स्वास्थ्य, ना उनको पोषण मिल रहा है, टोटल उनके नाम पे बजट आ रहा है और बजट की डकैती हो रही है। मैं आधिकारिक रूप से कहूंगा कि संबंधित अधिकारियों को इनके ऊपर FIR करें, अन्यथा वो आंदोलन होगा वो जिला प्रशासन का घेरावा होगा कि उनको खाना पीना सोना उनके लिए उनको पूरा व्यवस्था करवाना पड़ेगा, जागना भी मुनासिब मतलब दुभर हो जाएगा। तो यह जो कार्यालय है जिसके सामने हम यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता RTI कार्यकर्ता और सामाजिक पदाधिकारियों के साथ मौजूद हैं, ये कार्यालय में न ही कोई अधिकारी बैठते हैं और न ही कोई यहाँ पे आना जाना करता है। मतलब लूप होल देखा जाए कि इस अधिकारी मतलब इस कार्यालय में हमारे पत्रकारों की भी नज़र नहीं जाती है, लेकिन आज हमारी नज़र पड़ी है, मूल दस्तावेजों के साथ में पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं, अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम रामेश्वर विश्वकर्मा, मैं आम आदमी पार्टी का जिला संगठन मंत्री हूँ जी। और जब हमारे पांडे जी मेरे को फ़ोन करके बुलाई बोले कि कोरवा लोगों का ऐसा मतलब योजना आया था, अब पूरे अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल के जो है इसको पूरा योजना को ढकार गए, मैं बोला ठीक है मैं आया हूँ और पूरे दस्तावेज देखने के बाद और जो हमारे भाई कोरवा भाई लोग जो आए हैं मेन पार्ट से उनको और मैं खुद एक पार्टी का संगठन चलाता हूं है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लूटबाट है जो मतलब ये जो लूट का जो बाजार डकैतवाद जो है पूरा डकैती जो हो रही है ये आज से नहीं हो रही है, 15 साल रमन सरकार ने किया है, अब 5 साल ये जो 15 साल जो भूखे हुए हैं कांग्रेसी ये पूरे मिल के अधिकारियों के साथ जो है ना ये पूरा लूट रहे हैं। इनके अधिकारियों को पूरा FIR दर्ज होना चाहिए और इनको सीधा सीधा जेल जाना चाहिए, क्योंकि कोरवा जाति एक ऐसे जाति है जो राष्ट्रपति का दत्त पुत्र होती है, जब राष्ट्रपति का जो दत्त पुत्र को जो काम नहीं हो रहा है, जो उनका जो योजनाओं को निगल जा रहे हैं इन लोग मतलब सुरसाक बन के, तो अब आम आदमी की कहाँ सुनेगा। आम आदमी की तो रही बात, आज हमारे साथ में मौजूद हैं, अपना नाम परिचय बता देंगे। सुजान बिन सामाजिक कार्यकर्ता जी। अभी जैसा कि मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस ऑफिस में मैं समझता हूँ कि अधिकारी क्या एक छोटे तबके का कर्मचारी जिसको कि उस योजना के बारे में जानकारी रहता है, लेकिन इस अधिकारी को जानकारी नहीं है उस बारे में, बताएं। ये बहुत दुखद और बहुत शर्मनाक है, जब इस अधिकारी को इनकी क्या प्रोग्राम है क्या जानकारियाँ हैं ये ही जब पता नहीं है तो इसका क्रियान्वयन कैसे करते होंगे। अब देखिए जो गवर्नमेंट बात आंकड़ों की तो बात की बात है, लेकिन यदि योजना के बारे में अगर जानकारी ना हो तो बात कैसे करें। बहुत दुर्भाग्य की बात है, और जी जो योजना है जो जनजातियों की बहुत अच्छा योजना, हमने देखा कि जो
पुरानी जो अनाज हुआ करता था, बाजरा है आपका, यहाँ का कोदो है आपका, मेजरी है, और इन सब में बहुत ही पौष्टिकता होती है, और इसको पुनरुत्थान कायाकल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी। अब बताइए 16,000 के जगह लोग 23,000 कहाँ बांट दिए? नहीं, 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 ये तो उक्त अधिकारी के द्वारा 17 से जो है 23,000 तक पहुंचा दिए। मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री को ये जानना बड़ा हास्यप्रद लगेगा कि आप वहां से 16.5 भेजे हैं और ये यहां आकर के 23,000 हो जाता है, 23,000 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है राशि। वह सरकार एक 9 हितग्राहियों को बांटना है, 247 हितग्राहियों को बांट देते हैं यहाँ के अधिकारी। जिस तरह 16,000 कुछ रुपए बांटने का अधिक होता है और यहाँ आते आते तक 23,000 हो जाता है। बाहर सरकार, बाहर हमारे सरपंच के अधिकारी। मेरा मांग ये है, मैं सिर्फ सरसंत से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग इसमें लिप्त हैं, सबका स्थानांतरण किया जाए और इसकी जांच कराई जाए, तभी जाकर सही तथ्य को आप पता कर सकते हैं। जी, ये सेवक, और अंत में यह बताना चाहेंगे कि माफ कीजिए कि इस साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता है लगातार ऐसे मुद्दे आते हैं जो जनहित में होता है, और उनके आंकड़ों पर गौर किया जाए, उनके आंकड़ों पर जब गौर किया जाए तब समझ में आएगी कि बात सही है या गलत, बात जनहित है या व्यक्तिगत। यहां पर उनके द्वारा संक्षिप्त में कुछ और बताया जाए, आंकड़ों बात की जाती है, तो ये 16.5 से 23,000। अब ये रखिए ना, यही दावेदार आप देख लीजिए। जी जी, जनपद पंचायत अंबिकापुर, आप लिखते किसको है? परियोजना प्रशासक इसी कार्यालय को। जी, इसी कार्यालय को लिखे हैं 109 हितग्राही के जगह पर 273 हितग्राही। लिखने वाला एजेंसी है जनपद का, और जो एजेंसी बनाया है उस कार्यालय को भेजे, इनके कार्यालय का पावती है 4-7 का। अब ये आज तक चुप थे, तो आपको तीन तो मैं बता दिया, जो एनजीओ का बात बता रहा हूँ, उस एनजीओ को सिर्फ इसी में 54 लाख नहीं मिला है, पहाड़ी कोरबा को ड्राइविंग लाइसेंस सिखाना, ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट के लिए, और क्या नाम है आपका, कोरोना, मतलब ये तमाम जो योजना आप बता रहे हैं जो धरातल में होनी चाहिए थी, वो प्रशिक्षण के नाम पे या उनको लाभांश होना था, इसी डकैत एनजीओ से मिलके पूरा का पूरा करोड़ों रुपया डकार गए। इनको दूसरा कोई समाज सेवी संस्था भी नहीं मिलता है। आज इस संस्था का बात ऐसा है, उसको खोजेंगे 50 लाख रुपए की गाड़ी पर चलता है, वो तीन तीन गाड़ियां हैं 80 लाख 50 लाख। यहाँ तो हमारे जो सरगुजा महाराजा हैं उनका भी नहीं, पीएस सिंह देव भी नहीं 50 लाख की गाड़ी में घूमते, 1.5 करोड़ का है इसका मकान है दोनों भाई का, इसी अच्छा। जगह आपका आकाशवाणी चौक पर। अच्छा अच्छा, तो सोचिए पूरे छत्तीसगढ़ का राज समन्वयक है, नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान। ग्रामीण साक्षरता हम माने कि शहर के अधिकारियों को निरक्षरता बनाने का है ये, कि कोई साक्षर नहीं हो पा रहे हैं, पूरा योजना डका जा रहे हैं। मतलब शॉर्टकट थोड़ा सा ले लीजिए, तीन और बच गया था पंचायत, जनपद पंचायत लुंड्रा, लखनपुर, उदयपुर। लुंड्रा वाले को यही सब देखा होगा, जो बंटा ढार सोच रहा होगा हम तो इतना नहीं बांट पाएंगे, या ज्यादा खाना होगा, या हमसे इतना नहीं सकाएगा देने के लिए, वो उससे पैसा वापस ले लिए और तीनों दे दिए कृषि विभाग को। एक कृषि विभाग भी 54 लाख रुपया ले लिया, कोई काम नहीं किया, पैसा डकार गए। जानकारी मांगा नहीं दिया, अपील किया, उसका अपीली अधिकारी मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर ने 2 महीना पहले लिख के दिया कि 1 सप्ताह के अंदर इनको जानकारी उपलब्ध कराओ, फिर भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर अभी 1 हफ्ता पहले मैं गया, मैं बोला जानकारी तो दे दो। मतलब तीन जो तीन मद की राशि जो है वो जनपद में गई, हाँ, और तीन जो है कृषि विभाग में गई, हाँ, हाँ। तो ये आपके द्वारा जो आरोपी बनाया गया है, वो आरोपियों का बकायदे में नाम पढ़ के बताना चाहूंगा। पढ़ दीजिए सबका, कि ये जो JR नागवंशी है, ये यही है जिस कार्यालय में हम बैठ मतलब खड़े हैं, उस कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी का नाम है JR नागवंशी, जो परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास अंबिकापुर, इसको आरोपी बनाया गया है, वो भी हम धारा भी बताएंगे, दायर रखिएगा, है ना। श्री SN तिवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कार्यालय अंबिकापुर को आरोपी बनाया गया है। नीलेश कुमार जायसवाल कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद कार्यालय अंबिकापुर को आरोपी बनाया गया है। विक्रम सिंह
लेखा परियोजना एवं करारोपण अधिकारी जनपद कार्यालय अंबिकापुर को आरोपी बनाया गया है प्रकाश कुमार सिंह। विस्तार अधिकारी जनपद कार्यालय अंबिकापुर थाना तहसील अंबिकापुर को आरोपी बनाया गया है। श्री संजय गुप्ता मानसून एग्रो एजेंसी, संजय गुप्ता मानसून एग्रो एजेंसी संगम चौक को आरोपी बनाया गया है। विजय नारायण श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली, उसको आरोपी बनाया गया है। सूरज प्रसाद गुप्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतापुर को आरोपी बनाया गया है। दीपक बारीक प्रदेश समन्वयक ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान कार्यालय निवासी आकाशवाणी चौक अंबिकापुर को आरोपी बनाया गया है। अब आता है एम आर भगत, जिसका हम पूर्व में भी एक खबर चला चुके हैं, उसका स्टिंग कर चुके हैं कि कार्यालयीन समय में अपने कार्यालय में ही अपने कर्मचारियों के साथ में शराब पीता हुआ नजर आ रहा था। बकायदे इस वीडियो को भारत सम्मान के द्वारा जो है प्रमुखता से दिखाया गया और उस अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ। उस अधिकारी के द्वारा जो है 50 लाख से ऊपर की राशि डायरेक्ट गबन कर दी गई है, जिसका आज तक किसी प्रकार से कोई लिखित दस्तावेज देने से उनके द्वारा मना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध में जो है धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत में अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की गई है। बड़े हास्यप्रद की बात है, जहां पर क्राइम की बात आती है वहां पर भारत सम्मान का होना लाजमी है। इसी तरह के लाइव वीडियो के माध्यम से हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हुए जन सरोकार के मुद्दे को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं आखिरी सांस तक, जब तक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सोच समझ के न करने लगे, उचित कार्रवाई न करे, उचित ढंग से न करे, तब तक हम प्रतिबद्ध हैं। तब तक हम इस उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।